शहर कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को जेल सर्किल से धोबीघट्टा की ओर जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से धारदार हथियार सहित 3 मोबाइल बरामद किए हैं। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल रोहिताज सिंह ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जेल सर्किल से धोबीघट्टा की ओर जाने वाले रोड पर संदिग्ध घूम रहा है और उसके पास धारदार हथियार है और किसी वारदात करने की फिराक में है। इस पर तत्काल कोतवाली थाने से पुलिस जाब्ता रवाना किया गया और मौके पर व्यक्ति को पकड़कर धारदार हथियार के बारे में पूछताछ की तो उसने अपना नाम तालिम बताया। उसके कब्जे से 3 मोबाइल और धारदार हथियार बरामद किया है। आरोपी से धारदार हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही जब्त किए गए मोबाइल फोन लूट या चोरी के तो नहीं है, इस मामले की भी जांच जारी है। रात्रि में गश्त के दौरान तालिम सनोक साहब खान मेव निवासी 26 साल खेड़ा पुनाना हरियाणा का रहने वाला है। ये जेल सर्किल से धोबीघट्टा की तरफ जा रहा था, जो पुलिस जाब्ता को देख करके भगने लगा। जिसको पकड़ा देखा तो उसके दाहिने हाथ में एक छुरा और उसके मोबाइल जेब में उसकी जेब में 3 मोबाइल मिले, जो मोबाइल संभवतः किसी अपराध में संलिप्त हैं, लूट या चोरी के हो सकते हैं, जिनको 102 सीआरपीसी में जब्त किए हैं और छुरा को वजह सबूत जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान पूछताछ में बताया कुछ का क्या फिराक हो रहे। ये किसी अपराध को करने में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें